गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी देखिए, यहाँ पर बज रही है 4:45 और कपड़े प्रेस कर रही थी मैं। कुछ रखे थे तो सोचा उनको निपटा दूँ, फिर दो तीन 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 चार दिन दिवाली के टाइम में तो होगा नहीं। ये शायद एकादशी का ब्लॉग है, अभी तो मैं भूल गई, आज दिवाली का दिन है जिस दिन ब्लॉग ये जाएगा, तो दो दिन पहले का है। एडिटिंग नहीं हो पाती है, कितना इतना काम रहता है तो फिर टाइम नहीं मिलता है। ब्लॉग्स तो बन जाते हैं पर एडिट नहीं हो पाते हैं, तो टाइम से नहीं जा पाते हैं। तो फेस्टिवल के टाइम में तो थोड़ा आगे पीछे हो ही जाता है, काफ़ी आगे पीछे हो गया है। तो यहाँ पे देखिए, मैं मटरी बना रही हूँ। मेथी डाली है, तिल डाला है, ज़ीरा, अजवाइन थोड़ा क्रश करके, और यहाँ पे कलौंजी डाल रही हूँ। और इसका लगा देंगे आटा, थोड़ा नमक डाल दिया है और थोड़ा सा मैंने सोडा डाला है। और यहाँ पे 2 कप मैंने मैदा लिया था, तो 1/4 कप मैंने ऑयल ले लिया है, ये डाल देंगे। और इसका बढ़िया सख्त सा आटा लगा लेंगे और ढक के आधा घंटा छोड़ूंगी मैं इनको। तो लगभग 5 बजे मैं लगी थी किचन में कपड़े हो गए, तो यहाँ पे मैंने गुजिए के लिए आटा लगा दिया है, मैदा, और घी डाल के, घी का मोन डाला है गुजिए में, क्योंकि ये मीठे बनेंगे इसीलिए। और इसको ढक के रख देंगे, इसको भी आधे घंटे तक। ये आटा मैं 3 लगा रही, बालूशाही का और मटरी का, नमक वाली का और गुजिए का। तो आटा लगा के छोड़ दूंगी, उसके बाद में थोड़ा बहुत कुछ खाने की भी तैयारी साथ में करनी पड़ेगी, क्योंकि शाम का टाइम है, खाना भी बनाना है। यहाँ पे मैंने बालूशाही के लिए लगा दिया है दूध, दही नहीं था वरना दही डालना था, और मंगाने का टाइम था नहीं मेरे पास, तो फिर मैं घी का मोहन दे के ही लगा दिया। और यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट है मेरे पास, बादाम थे ही नहीं, काजू और पिस्ता थे, तो उनको मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है। पहले पिस्ता और दोनों साथ में मैंने डाल दिए, फिर अलग करने की कोशिश की तो तब हो गए थे काजू, तो फिर उसके बाद में ही कर लूँगी। तो निकाल लिया मैंने रोस्ट करके। और यहाँ पे मैंने तिल और थोड़े से खसखस के दाने हैं वो डाले हैं, भुजिया के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। नारियल का यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि बच्चे खाते नहीं है नारियल, इसलिए नारियल का यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पर, और सूजी भी नहीं डाल रही हूँ। जो घर में पसंद किया जाता है उसी हिसाब से मैं बना रही हूँ, वो हमारी चॉइस है, हम उस हिसाब से बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने मावा मंगवा लिया था, तो 250 ग्राम मावा है, तो इसको भी स्लो गैस करके रखा है, तो इसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। भुनना उनना है नहीं, हल्का सा गर्म करना है, मेल्ट हो जाएगा। चीनी डाल दी है मैंने यहाँ पर 1 कटोरी, लगभग 200 ग्राम थी 250 ग्राम मावे में, ज़्यादा मीठा नहीं करूँगी मैं। और इसको बढ़िया से मेल्ट करेंगे, चीनी जैसे जैसे मेल्ट होगी मॉइस्चर के से, तो वैसे भी ये हो जाएगा सॉफ्ट। ये देखिए यहाँ पर बढ़िया से हो गया है, और गैस ऑफ किया। यहाँ पे मैंने खाने की भी तैयारी की, दूध वाले भैया आए थे दूध देके गए, तो दूध गर्म रखा है। और यहाँ पर मैंने चावले भी बॉईल होने के लिए रख रही हूँ, तो चावलों में मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, और गैस ऑन कर देंगे। तो यहाँ पर मेरा मैंने गैस ऑफ कर दिया है, मावा मेल्ट हो गया था तो गैस ऑफ किया है, ठंडा होगा तब तक, वैसे भी ये हार्ड हो जाएगा, जाड़ा हो जाएगा, मतलब टाइट हो जाएगा, तो मैंने बंद कर दिया। यहाँ पर मैंने तिल और खसखस के दाने, उनको थोड़ा सा क्रश करूँगी, देखिए यहाँ पे डुल गए, तो थोड़ा सा इनको क्रश करके मावे में डाल दूँगी और बाद में बाउल में कर लूँगी, ताकि जल्दी ठंडा हो। कढ़ाई में तो जल्दी होगा नहीं, क्योंकि ट्रिपल आई कढ़ाई है, तो ज़्यादा जल्दी ठंडा नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए क्रश कर लिया है, पाउडर नहीं करना है, थोड़ा सा क्रश कर लिया है और डाल दिया इसमें। और यहाँ पे पिस्ता, पिस्ता अलग करके पहले उनको क्रश करके डाल दूँगी इसी में सारा, और मिक्स करने के बाद फिर एक मैं बाउल में ले लूँगी ठंडा करने के लिए। तो ब्लॉग में क्या है, ब्लॉग एडिट नहीं हो पाते, थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने इलायची पाउडर डाला है, अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे और फिर ठंडा होने के लिए रख दूँगी अलग, तो इसलिए थोड़े से ब्लॉग लेट हो रहे हैं, एडिट नहीं हो पाते हैं, फेस्टिवल में टाइम नहीं मिल पाता है। साथ साथ में देखिए खाने की भी तैयारी कर रही हूँ। 5 बजे से लगी थी मैं, मुझे शायद 10, 10:30, 11 बज ही गई, और डेली का ही 12 तो 12:30 मुझे बज जाती है। यहाँ पे देखिए चावलों का भी मसाला कर दिया, आटे मैंने सारे लगा के रख दिए हैं, मावा वगैरह भी सब बाउल में निकाल के, ठंडा होगा आटा सेट होगा तब तक देखिए मैं खाने का भी कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बच्चों को भूख लग जाएगी, और इन सब चीज़ों में तो काफ़ी टाइम लग जाता है बनाने में करने में। तो यहाँ पे देखिए चावले फ्राई कर दिए हैं और राइस रख दिए मैंने, और आटा भी मैं लगाऊंगी इनको निपटा कर। तो यहाँ पे देखिए नमक पारे मैंने, जो मेथी मसाले की मटरी है वो मैं बेल रही हूँ, और नहीं वो नहीं, यहाँ पे मैं पहले गुजिया बना रही हूँ, उसके बाद फिर उनको बनाऊंगी, क्योंकि मीठे हैं तो पहले उनको मैं ऑयल में उनको तल दूंगी, और उसके बाद लास्ट में मैं वो तलूंगी नमक वाले। तो
यहाँ पे देखिए गुजिया मैंने तलना स्टार्ट किया, क्लिप्स मैंने काफ़ी शॉर्ट किए क्योंकि व्लॉग फिर बहुत लंबा हो जाता है, फिर आप लोग देखोगे नहीं पूरा, तो फटाफट मैंने काफ़ी शॉर्ट शॉर्ट क्लिप ही दिखाई है, थोड़ा थोड़ा सा ही दिखाया है क्योंकि व्लॉग फिर बहुत लंबा हो जाएगा इसीलिए। तो यहाँ पे जो मैंने इसका बालूशाही का डो रखा था वो उसको मैंने थोड़ा सा कर दिया है व्यवस्थित, और गुजिया हमारे मैंने आधे निकाल दिए हैं, बस थोड़े से बचे हैं, दो बैच निकाल लिए हैं और तल के। तो ज़्यादा गुजिया को ब्राउन तो करना नहीं होता है, बस धीमी धीमी आंच पे ही सब सारा काम, ये सब धीमी आंच पे ही करना था तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। पूड़ी वगैरह जैसे हमारे तलनी होती है तो फटाफट फुल आँच पे कर लेते तो हो जाता है, लेकिन इनमें बहुत टाइम लग जाता है, बिल्कुल स्लो आँच पे करना होता है इसीलिए। तो राइस का कुकर मैंने साइड वाले काउंटर टॉप पे रख दिया है और चावले यहाँ रखे हैं, खाना अपना खाते रहेंगे बच्चे लेके, और यहाँ मेरा काम भी चालू रहेगा। अगर खाना नहीं बनाती और इसमें लगी रहती तो बहुत लेट हो जाता, इसलिए मैंने खाना पहले बना दिया है। और यहाँ पर अब बस थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके बालू से ही बना दूंगी, गैस बिल्कुल लो पे रख रखा है क्योंकि इनको तो टाइम लगेगा। और एक बैच डाल देती हूँ, उसके बाद फिर मैं चाशनी की तैयारी करूँगी। चाशनी तो क्या बनानी है, जैसे गुलाब जामुन की हम चिपचिपी सी बनाती, तार वार तो बनाना नहीं है, चिपचिपी सी बनानी है वही बनानी है, तो बस तो वो बनाएंगे। और गर्मी इतनी है ना, इतनी गर्मी से हालत ख़राब है ना कि ऐसा लगता है कि ना खाली पजामा टी शर्ट पहन के रहो ऐसा लगता है, काम करो उस टाइम तो बिल्कुल ही, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, पहनना रहता है कपड़े, साड़ी वगैरह कभी सूट साड़ी डाल देते हैं, बट गर्मी बहुत ज़्यादा है, कुछ भी पहनने ओढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, इतनी गर्मी है यहाँ पर खतरनाक वाली। देखिए गुजिया हमारे बढ़िया से रेडी हो गए हैं, और ब्लॉग्स भी इसीलिए लेट हो रहे हैं क्योंकि देखिए अभी 12 तो ऐसे ही बज जाती है, तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है वैसे मैं थोड़ा बहुत एडिट कर लेती हूँ। लोग थोड़े लेट हो गए हैं, काफ़ी सारे बन बन के रेडी हैं, इस टाइम पे भी मेरे पास बन के रेडी रखे हुए हैं ब्लॉग, पर एडिट जैसे जैसे एडिट होंगे वैसे वैसे मैं अपलोड करूँगी। तो यहाँ पे देखिए बालूशाही में भी डालती जा रही हूँ, फर्स्ट वाली है तो थोड़ा तेल ज़्यादा गर्म था, उसके बाद वाले में तो बहुत मीडियम हो गया था। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 कप मैंने मैदा, 2 से 3 कप कुछ मैदा लिया था बालूशाही के लिए, 2 कप मैंने ले लिया है चीनी, और 2 ही कप मैं डाल दूंगी उसमें पानी, और उसको मेल्ट होने देंगे। मीडियम रखा है गैस, ज़्यादा तेज़ भी नहीं है ज़्यादा स्लो भी नहीं, क्योंकि बालूशाही को पकने में बढ़िया से टाइम लगेगा काफ़ी सारा, तो तब तक तो चिपचिपी हमारी चीनी घुल जाएगी हो जाएगी। तो यहाँ पे चीनी घुलने आ ही गई थी बिल्कुल, और इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी केसर और कलर। बालूशाही भी छोड़ती है, जो एक बैच मैंने निकाल दिया था पहले, 4 ही डाली थी, ज़्यादा नहीं डाली थी क्योंकि ऑयल का टेम्परेचर सही हो जाए। यहाँ पे देखिए चीनी पूरी घल गई थी तो मैंने थोड़ा सा दूध डाला, ताकि 2 से 3 चम्मच जितना डाला, ताकि इस पर जो भी मतलब गंदगी रहेगी वो ऊपर आ जाएगी, तो उसको मैं निकाल के फेंक दूंगी। और उसको मैंने निकाल के डाल दिया है, यहाँ पे देखिए बालूशाही भी हमारी कितनी बढ़िया फूल गई है सब, और अब इसमें ये देखिए यहाँ पे झाग आ गए, इनको निकाल के फेंक देते हैं। ये देखिए सारे एकदम चीनी बढ़िया क्लीन हो गई, थोड़े से मैंने केसर के धागे डाले हैं, और यहाँ पे अब मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा फूड कलर, जो जलेबी वाला आता है वो ही मैंने डाला था, थोड़ा सा जो सूखा वाला आता है, छोटी डिब्बी आती है तो फ्रिज में ही रखा है मैंने, तो ये बस 1 पिंच जितना मैंने डाला। और ये बस ये चिपचिपी हमारी चाशनी रेडी है, गैस ऑफ कर दिया है, और अब जो पहले से बनी हुई थी तो बालूशाही 4 पीस मैंने पहले से बना के रखे थे, तो उसको मैं इसके अंदर डाल दूंगी। और यहाँ पे देखिए थोड़ी सी मैंने इलायची पाउडर डाल रही हूँ, भूल गई थी, तो इलायची पाउडर मैंने डाल दिया है, अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। और ये एक एक मैंने बालूशाही जो पहला बैच निकाला है तो गर्म है, तो फिर मैंने डाल दिया, वरना फिर चाशनी अंदर पी नहीं पाएगी बढ़िया से। और अब ये दूसरी है, ये हो रही है, इनको टाइम लगेगा, तो फिर मैंने काटा लिया, झारे से ना अच्छे से नहीं पलटी जा रही थी तो मैंने काटा ले लिया है, तो धीरे धीरे इनको पलट रही हूँ, और बहुत बढ़िया से पकने देंगे धीमी धीमी आंच पे, तो ही वो हल्की बनती है, वरना फिर वो हार्ड हो जाती है। तो बस इनको मैंने डाल दिया है, और यहाँ पे फिर सारे बर्तन भी साथ साथ में समेटती रहूँगी, और जो अंदर क्लीन है उनको भी थोड़ा लगाती जाऊँगी, क्योंकि बालूशाही को बहुत टाइम लगता है, एकदम से नहीं पकती है तो उनको टाइम लगेगा, तो तब तक यहाँ खड़े रहने से अच्छा है मैं अपने दूसरे काम निपटाती जाऊँ।
तो यहाँ पे जो जो बीच जो सेंटर में है ना वहाँ आँच अच्छे से लग जाती है, ज़्यादा लगती है तो वो पकती जाती है, तो सेंटर में से मैंने निकाल के चाशनी में डाल दी है और साइड वाली है उनको पकने देंगे। देखिए मैंने सेंटर में से जो हो गई थी उनको मैंने निकाल के डाल दिया है और बाकी को पकने देंगे। और साथ में जो बर्तन है वो भी मैंने डाल दिए हैं, सिंक में काफ़ी सारे बर्तन इकट्ठे हो गए, उनको भी मुझे क्लीन करना है। ढेर सारे देख सकते हैं सिंक में आप बर्तन नज़र आ रहे होंगे, ढेर सारे बर्तन हो गए, क्योंकि ऐसी चीज़ें बनाओ तो फिर बर्तन तो हो ही जाते हैं। फिर साथ में खाना पीना नॉन स्टॉप लगी थी मुझे, 10-11 तो बज ही गई करते करते। देखिए यहाँ पे पलट रही हूँ और डालती भी जा रही हूँ और बहुत ही अच्छी बनी थी। आज दिवाली का दिन है, आप सभी को हैप्पी दिवाली मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से। तो अब चलिए वहाँ पे बर्तन भी सारे हटाते जाएंगे जो जो है उनको खाली करके। भुजिया हो गए हैं रेडी और नमक पारे भी रेडी हो गए थे, इस टाइम पे निकाल दिए थे तल के। सारा कुछ डिटेल में नहीं बता सकते क्योंकि फिर ब्लॉग्स बहुत लंबे हो जाएगा, इसीलिए तो फिर मैंने कुछ 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 क्लिप्स ही सारे शेयर किए, सारी नहीं कर पाई थी। तो बस इनको पलट चाशनी वालों को भी मैं पलटती जाऊंगी, ये बालूशाही हो गई थी तो मैंने गैस ऑफ कर दिया और इनको पलटते जाएंगे। जो पहले डाली है उनको ऊपर ले लेंगे और जो अभी डाली है उनको नीचे तक जाने देंगे ताकि सब अच्छे से चाशनी में डूब जाए। इसलिए मैंने कढ़ाई में बनाई चाशनी ताकि फैली हुई रहती है ना तो सब अच्छे से डूब जाएंगे, वरना तो मैं पैन में बना देती तो भी बन जाती चाशनी, लेकिन कढ़ाई में अच्छे से डूब जाएगी यही करके मैंने कढ़ाई में बनाई चाशनी। जो एक छोटा सा टुकड़ा टूट गया था तो छोटा सा टुकड़ा था उसको मैंने निकाल दिया, वरना पूरा चाशनी से भर चुका था वो। और बस इनको इस तरीके से अलट पलट करके छोड़ देंगे। और यहाँ पे देखिए बर्तन ढेर सारे हो गए थे, तो इनको बर्तन को क्लीन कर लेते हैं। और अंधेरा देख सकते हैं आप, काफ़ी लेट हो गया था और मेरी हालत देखिए, पसीने से बाल बाल सब इतने चिपक चुके हैं पसीने से, हालत ख़राब हो गई थी गर्मी की वजह से। और फिर एक तो इतनी गर्मी है, उसके बाद फिर हीट में किचन में खड़े रहो तो और डबल गर्मी हो जाती है, इसीलिए। चलिए फटाफट से बर्तन क्लीन करते हैं और उसके बाद फिर थोड़ी देर करेंगे रेस्ट, फिर वापस रोटी बनानी है, दाल राइस ही बनाए थे, रोटी बनानी बाकी थी इस टाइम पर। फ्रेंड्स ब्लॉग आपको अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए फैमिली एंड फ्रेंड्स में और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और पुराने भी हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन न्यू ब्लॉग के मिलते रहें। आगे आपको नए नए बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे नमक पारे बहुत ही टेस्टी और खस्ता बने थे, मेथी वाले मठरी बोल सकते हैं आप। ये है हमारे भुजिया, तो बहुत ही अच्छे बने थे, अभी इतना ही बनाया, ज़्यादा मैंने नहीं बनाया। ये हमारी बालूशाही देख सकते हैं आप, बहुत अच्छी बनी, मैंने कुछ गार्निश वगैरह नहीं किया था, मतलब टाइम ही नहीं था, इतना लग जाता है ना, इतना लेट तक हो जाता है। और पहले का तो काफ़ी सारा ख़त्म भी हो चुका है, बस थोड़ा बहुत ही बचा है। और बाहर देख सकते हैं लाइटिंग वगैरह सब जगह अच्छे से लग रही है, चमक रही है। तो और भी कम लगी है बेडरूम के साइड में, और ज्यादा सी लगी हुई है। तो देखिए किचन का हाल अभी खराब है, बहुत फैला हुआ है क्योंकि अभी मुझे रोटी भी बनानी है, उसके बाद ही समेटूंगी क्योंकि बर्तन क्लीन करते करते ही इतना टाइम हो गया था। और अभी यहाँ पे मान्या आपको दिखा रही है बेडरूम से बाहर का नजारा, तो ये देखिए इस साइड में बिल्डिंग में लाइटें बहुत अच्छे से लगी हुई है और सारी रात चलती रहती है लाइटिंग की। चलिए आप लोगों ने कैसा किया दिवाली मनाइए तो कमेंट कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगेगा मुझे। और
चलिए ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप आपको पसंद आया होगा, और पसंद